और उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें कि कंपनियों पर फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने और हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में समाज में नफरत फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी की स्ट्राइक, नफरत फैलाने वालों पर यूपी पुलिस का एक्शन, खानों की चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो मामला दर्ज किया गया है उसमें इन कंपनियों पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए गए हैं। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर लखनऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कई कंपनियों के मालिकों और मैनेजमेंट के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकियों को संगठनों को फंडिंग करने का आरोप लगाए हैं। जिन कंपनियों पर आरोप है उनमें शामिल हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इन पर दंगा कराने का भी आरोप है। जिन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें शामिल है आपराधिक साजिश, समाज में नफरत फैलाना, अवैध वसूली, जालसाजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां इस पर एक्शन लिया है तो वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सुसंगत और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संगठन शामिल है, यदि वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। एफआईआर के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि ये शाकाहारी चीजों जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद वगैरह में भी हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही थी और आरोप है कि इसके जरिए एक खास समुदाय के लोगों को बरगलाया जाता था कि वो हलाल सर्टिफिकेट वाले ही सामान खरीदें, जिससे दूसरे कारोबारियों का नुकसान होता था और साथ ही समाज में नफरत का माहौल पैदा हो रहा था। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया है कि ये कंपनियां अपनी इस साजिश से जहां देश को कमजोर करने में जुटी थी तो वहीं आतंकी संगठनों को फंडिंग भी कर रही थी। फिलहाल हजरतगंज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये नफरत फैलाने वालों पर योगी की स्ट्राइक है। बीजेपी की ओर से साफ किया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में चल रहे गोरख धंधे की शिकायत लगातार मिल रही थी और जिस पर योगी सरकार ने ये एक्शन लिया है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी।